उसकी में नाम लिया जाता है धीरे धीरे। अब जब सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे निर्धन हो, उसको पता है कि चाहे वो लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे कहीं जाए, जब वो जाता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है। उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपुर से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी वाला सुल्तानपुर, वो वहाँ से आए हैं। मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि सुल्तानपुर में ना काबिलियत की कमी है, ना साहस की कमी है, ना प्रतिभा की और ना स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर वार में जो साथ थे वो ही परिवार होता है। हम लोग एक वादा करते हैं, नाली, सड़क, बिजली, ये सब होता रहेगा, लेकिन हम वादा करते हैं, एक खून के रिश्ते का वादा करते हैं कि सुल्तानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा। जैसे पीलीभीत में सब के पास वरुण गांधी का नंबर है, वैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा है, 11, 11, 12 बजे रात को किसी का भी फोन आता है तो उठाती हैं और उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करती। ना उनके अंदर कोई मैं है, ना उनके अंदर कोई अहंकार है, ना उनने किसी का नुकसान किया, ना उन्होंने गांव-गांव में झगड़ा फैलाया, ना उन्होंने कभी किसी के साथ दुश्मनी निभाई। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबका अधिकार हमारे परिवार के ऊपर है। यहाँ पे कोई हमसे अलग नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पूरे सुल्तानपुर में एक भी व्यक्ति से हमारे कोई गुस्सा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारे सामने भी जो चुनाव लड़ेंगे बाद में, अगर वो भी बीमार पड़े, सबसे पहले हम ही उनकी मदद करेंगे। हमारे किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई बैर नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं, जब मैं सुल्तानपुर पहली बार